जिसने गीता पढ़ ली ना साहब, ये मान के चलिए वो अपने आप में पूर्ण व्यक्ति है। बाकी लोग बहुत जल्दी किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो भी एक अच्छा स्थान है। जबलपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है? बिल्कुल, लाइफ में जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आएंगी ना, ये मान के चलिएगा उसके लिए छोटी सी चीज। तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं से और क्या कहना चाहेंगे समाज से संस्कार और भारतीय संस्कृत और पाश्चात्य संस्कृत को लेकर? लोगों के अंदर संस्कार बहुत है, तो हमको आने वाली पीढ़ी को और थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और यहाँ के जो संस्कार है ना उसको बचाए रखना चाहिए, ये हमारा है। क्योंकि क्यों ना अगर 14वीं शताब्दी में अगर तक्षशिला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय जला दिया गया था, अगर वो नहीं जलाया होता तो आप आज समझ सकते विश्वगुरु होता भारत जी। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं द खबर द न्यूज। आज मेरे पीछे जिस शहर को आप देख पा रहे हैं ये जबलपुर है, और जबलपुर का ये एक अनोखा व्यू कहा जा सकता है। एक अलग तरीके से नज़र से आपको हम जबलपुर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे साथ कुछ जबलपुर वासी हैं, इनसे हम जबलपुर के बारे में बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल साहू। कहाँ से हैं? जबलपुर के ही हैं। प्रॉपर है। जबलपुर के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, जो जबलपुर है उसमें सबसे ज़्यादा खास क्या है? यहाँ फेमस मदन महल किला है जी, इसके अलावा यहाँ पर सभी चीज़ ही खास है जी, और यहाँ पर मेन है हमारे एजुकेशन हब है यहाँ माँ कौशल प्रांत के लिए। अच्छा, है ना, और यहाँ पर एजुकेशन बहुत बेस्ट मिलता है लोगों को, और इसके अलावा भी आप पीछे देख सकते हैं यहाँ तक्षशिला कॉलेज है जी, बहुत फेमस कॉलेज भी जी है। जी, शैक्षणिक गतिविधियों का एक केंद्र कहा जा सकता है। यहाँ के आसपास के 10 जिलों के बच्चे यहाँ आते हैं बीई करने, बीकॉम करने और अदर कोर्सेस करने के लिए। आपका नाम क्या है? सचिन साहू। कहाँ से हैं? यही जबलपुर लोकल से। जबलपुर लोकल। जबलपुर का फेमस पकवान क्या है? जबलपुर का फेमस पकवान सभी चीजें यहाँ, वैसे तो समोसा ज्यादा पसंद करते हैं, उस पे टिकेगा नहीं क्योंकि वो कमजोर है थोड़ा सा। फुल्की चाट जी, समोसा। और कौन सी चीज जबलपुर की बेस्ट लगती है आपको? सबसे अच्छी चीज जबलपुर की क्या लगती है आपको? किस चीज में? खाने में। हाँ, खाने में या यहाँ के मिजाज में, यहाँ के घूमने वाली जगहों में? घूमने के लिए यहाँ के लोग बहुत जल्दी किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ के यही मिजाज सबसे बड़ी चीज यही है। आप ये नहीं गौर कर पाएंगे हम लोकल हैं कि आप बाहर से आए हुए हैं जी। यहाँ पर अगर मान के चले तो 30% लोग हैं जो बाहरी हैं। अच्छा, बाकी बाहर के जिलों से हैं, रीवा, सतना, पन्ना मान चले, लेकिन सभी लोगों का यहाँ घुल मिल के रहना यही एक विशेषता है। जबलपुर में कई छोटे छोटे शहर रहते हैं, जैसे रीवा के लिए रीवा कॉलोनी, बिंध भवन है और बहुत सारी जगह है ऐसी, तो इसका क्या कारण है? लोग बाहर से आते हैं यहाँ बस जाते हैं और उन्हें के नाम से पूरा शहर हो जाता है, एक मोहल्ला जी है। मुख्य मदर नर्मदा जी का घाट है यहाँ जी, है ना, यहाँ जल की कोई कमी नहीं है, माँ नर्मदा जी का आशीर्वाद है। एक से एक घाट है, गोरी घाट, तलवारा घाट, है ना, इस कारण से यहाँ पे लोग आते हैं एक बार जी, तो यहीं के रह जाते हैं। और बहुत सारे पहाड़ियों में अच्छे अच्छे मंदिर है, जैनों का मंदिर है जी, किशनारी मड़िया के नाम से फेमस है, अपने बाजनामाड़ बाबा जी जो की भी यहाँ शास्त्री नगर के पास स्थित है पहाड़ी में जी, उसके आगे नर्मदा जी हैं जी। आपका नाम क्या है? अभिनंदन साहू। आप भी यहीं जबलपुर लोकल से? जबलपुर लोकल ही। जबलपुर की सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आती है आपको? समस्या की दृष्टि से तो जबलपुर में ऐसी कोई समस्याएं नहीं है ज्यादा। जैसे स्वच्छता की बात करें, हमने कई लोगों से बातचीत की तो यातायात को लेकर के कहा कि यहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था है सुगम तरीके से नहीं है। हाँ, यहाँ ट्रैफिक का ट्रैफिक रूल में थोड़ा सा दिक्कत होती है, परंतु अभी डेवलपमेंट चल रहा है जिस हिसाब से ब्रिज बन रहे हैं और ये सब चीजें, ट्रैफिक धीरे धीरे कम होगा। अभी क्या शहर की आबादी बढ़ने के कारण ट्रैफिक काफी बढ़ चुका है लोड, इस कारण से थोड़ी समस्या होती है, पर ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। और रहा स्वच्छता का, तो स्वच्छता भी हमारे यहाँ अच्छा है, स्वच्छता को सेकंड नंबर तो मिलता है अभी, स्वच्छता भी अच्छा ऑल ओवर एमपी पे सेकंड नंबर रेंजर फर्स्ट रहता है, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे रहता है जबलपुर, तो बढ़िया है, स्वच्छता भी अच्छा है। और हमारे यहाँ अच्छी हरियाली है, वादियां हैं, जैसे मदन महल पहाड़ी है ये भी है जी, और काफी टूरिस्ट स्थान है, जैसे विजयनगर एक अच्छा है, विजयनगर में कचनार सिटी है जी, ये भी एक घूमने वाला अच्छी जगह है, भगवान का धाम है, और काफी जगह है ऐसी। रांची तरफ चले जाएं तो फैक्ट्री वगैरह है, उसके बाद आगे जाते हैं तो एक वो शंकर जी का कैलाश धाम नाम से, वो भी एक अच्छा स्थान है। इधर अपन ये बरेला तरफ जाएंगे तो बरेला में अपने शारदा मंदिर है, तो कई सारे आध्यात्मिक स्थल भी हैं, मतलब ये अच्छी जगह है, आध्यात्मिक जगह है, शारदा मंदिर ये है, प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर है, आध्यात्मिक जगह है, आध्यात्मिक जगह है, और पहाड़ी पे है, जिससे भी माँ शक्ति का भेड़ाघाट। अच्छा,
संगमरमर की चट्टाने मिलेंगे वहाँ, चौसठ योगिनी माता तो फेमस है जबलपुर में, फेमस है मतलब पूरा इंडिया फेमस कह सकते हैं इस तरीके से। बैलेंसिंग रॉक अभी आपने देखा होगा, वो सबसे बड़ी बात ये संस्कारिक संस्कार धानी बोलते हैं जी, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर लोगों के अंदर संस्कार बहुत है, लेकिन आजकल हम देखा जाए तो हम थोड़ा सा पाश्चात्य अपना रहे हैं, जिसके कारण हम संस्कारों को बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं। तो हमको आने वाली पीढ़ी को और थोड़ा और ध्यान देना चाहिए और यहाँ के जो संस्कार है ना उसको बचाए रखना चाहिए, ये हमारा है और हम इसके ऊपर से काम कर रहे हैं। हम है एक माउंटेन हाइट इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर हैं, ऑनर हैं, हम इस पर काफी काम कर रहे हैं कि बच्चों को कहीं क्यों ना हम एक अपनी गीता एक क्या गीता क्या है आपके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं हमको जी। आप बोलेंगे गीता एक धर्म का ग्रंथ है, नहीं है बिल्कुल। आप अगर गीता को ठीक से पढ़ेंगे ना वो आपको एक जीवन जीने का सलीका सिखाती है बिल्कुल, वो जीवन जीने की जो प्रक्रिया है, जीवन जीने का जो तरीका है वही है गीता। जिसने गीता पढ़ ली ना साहब ये मान के चलिए वो अपने आप में पूर्ण व्यक्ति है बिल्कुल। लाइफ में जीवन में कभी भी कोई कठिनाई आएंगी ना तो ये मान के चलिएगा उसके लिए छोटी सी चीज तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो आपका माउंटेन स्कूल है तो वो भगवत गीता के सिद्धांतों पर चलने वाला और संस्कारित करने वाला एक विद्यालय कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम उसी पर एक अलग से हम अपना मान के चलिए हमारा CBSE स्कूल है तो उस पे हम अलग से बच्चों को जो टेक्नोलॉजी है वो सिखाते हैं, इसके साथ साथ हम गीता पे बेस्ड भी कुछ बातें सिखाते हैं। आपने सुना हो सदाचार मोरल एजुकेशन, उस पे हम गीता के कुछ अध्याय डालते हैं, उसको एक सब्जेक्ट वाइज नहीं एक एंजॉय करते हुए पढ़ाते हैं जी। जैसे कि बच्चों को किस तरीके से घर पर रहना चाहिए, कैसे आदर से अगर पेरेंट्स को बात करनी चाहिए, कैसे अगर कोई हमारे यहाँ अतिथि आते हैं तो उनको कैसे सत्कार करना चाहिए, या हमको एक समाज में रहने का सलीका भी सिखाते हैं। ये चीज एक बहुत अच्छी है, आप युवा हैं और युवाओं में ही पाश्चात्य संस्कृत की तरफ जो रुझान है वो बढ़ रहा है, लेकिन युवा होते हुए भी आप एक ऐसी कोशिश कर रहे हैं, एक ऐसा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं जो संस्कारित करता है, जो जबलपुर संस्कार धानी के शाब्दिक अर्थ को सार्थक बनाने की महती भूमिका का निर्वहन करता है। क्या कहना चाहेंगे युवाओं से और क्या कहना चाहेंगे समाज से संस्कार और भारतीय संस्कृत और पाश्चात्य संस्कृत को लेकर? हम आपको ये बोलना चाहते हैं या सभी लोगों के लिए, इवन हम अभी जबलपुर पे फोकस कर रहे हैं, हो सकता है किसी का सपोर्ट मिला और हमारे भगवान की सही दुआ और कृपा हुई तो हम इसको पूरे अपने देश में फैला सकते हैं, लेकिन हमारा सिर्फ यही है यहाँ की युवाओं के लिए कि हम पाश्चात्य संस्कृति उतना अपनाएं जो हमारे लिए सही है, पूरा वो ठीक नहीं है ना, हमारी कुछ पूरी बातें सही है, हमको अपने धर्म भी कुछ अपडेट होते हैं उनको करना चाहिए है ना, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि क्यों ना अगर 14वीं शताब्दी में अगर तक्षला विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय जला दिया गया था, अगर वो नहीं जलाया होता तो आप आज समझ सकते विश्व गुरु होता भारत जी। हम ये नहीं बोलते कि हमारा वो सब सही है जी, 80% सही होगा और 20% आज के परिप्रेक्ष्य आज के हिसाब से सही नहीं होगा। निश्चित तौर पर अगर कुछ ना कुछ ऐसी चमत्कारिक चीजें रही होंगी उसी की वजह से तो हमारी संस्कृत अनवरत काल से सदियों से अब तक उसी स्वरूप में है, जबकि हजारों आक्रमण हुए, मुगलों के आक्रमण हुए, अंग्रेजों के आक्रमण हुए, कई विदेशी आक्रांताएं, लेकिन हम अगर समावेशित कर पा रहे हैं तो हमारी विशेषता की वजह से, और आप युवा हैं, आप जैसे लोग इस चीज को समझते हैं और इस चीज को आगे बढ़ाने की दिशा में कार्यरत हैं, ये एक बहुत बड़ी शुभकामनाएं देने का भी काम है और बधाई देने का भी काम है। आप लोगों ने बातचीत की और नगर के बारे में, इस जबलपुर के बारे में, यहाँ के संस्कारों के बारे में चर्चा की, इस चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये जबलपुर के कुछ युवा थे और इन्होंने पाश्चात्य संस्कृत और भारतीय पुरातन संस्कृत को लेकर के, इस शहर की विशेषताओं को लेकर के और इस नगर के मिजाज और अंदाज को लेकर के हमसे चर्चा की। हम ऐसे ही सफर को आगे बढ़ाते रहेंगे, बदले में हमें सिर्फ आपका साथ चाहिए, आपके कमेंट्स, आपके लाइक, आपके सब्सक्राइब हमें ये बताते हैं, हमें ये जाहिर करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, या आपके सुझाव जो होते हैं हमें ये बताते हैं कि हमें और क्या बेहतर करना चाहिए, हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।